तो क्या सोचा था, कहानी खत्म हो गई। दरवाजा बंद होते ही इसलिए हैं ताकि फिर से खुल सके, और भूल भुलैया के दरवाजे फिर से खुल चुके हैं अपनी तीसरी एमआई को लेकर। बावलोग रू बाबा आ चुके हैं अपनी नई टीम और नई अंदाज के साथ। टीजर ड्रॉप आउट हो चुका है, चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स काफी कुछ छुपा के रखा है इस छोटे से टीजर ने। लेकिन बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ रहा है, मूवी जल्दी जल्दी लाने के चक्कर में एक्टिंग परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होते नजर आ रही है। वो भी किसकी तरफ से? विद्या बालन की तरफ से, क्योंकि जिस एक्टिंग पावर हाउस विद्या बालन को हम जानते हैं फर्स्ट पार्ट से, वो बाबा मिस होते नजर आई है। टीजर ऑसम है, लेकिन विद्या की क्रिंज एक्टिंग इसे फेट कर रही है कहीं ना कहीं। बहुत एक्साइटमेंट था कि विद्या जी को फिर से देखेंगे इस फ्रेंचाइजी में, लेकिन ऐसे नहीं देखना था। टीजर ने बहुत सस्पेंस के साथ मंजुलिका को छुपा के रखा है, जो हो ना हो माधुरी दीक्षित हुई होने वाली है, क्योंकि जितने भी मंजुलिका के बैक शॉट्स आए हैं वो खैर विद्या तो नहीं लग रही है। और शायद लोगों को भरम में रखने के लिए विद्या को जानबूझकर भयानक दिखाने की कोशिश करी जा रही है। खैर इतनी आसानी से चूतिया नहीं बनेंगे हम। आई एम एक्साइटेड कि तृप्ति दिमरी का क्या राज होने वाला है। तृप्ति दिमरी क्या विद्या की लड़की होने वाली है, या फिर मंजुलिका अपने माधुरी मैम की लड़की, वो देखेंगे बाबा मूवी में। बाबा टीजर स्टोरी तो कुछ नया प्रॉमिस करने की कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअल ट्रेलर में ही पता चलेगा कि क्या क्या ये खजाना इसके पास है। लेकिन मेकर्स ने मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए मंजुलिका चुड़ैल के शॉट्स कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं। बट कार्तिक लुक फैंटास्टिक, कुछ तो नया लेकर आ रहा है ये बंदा, क्योंकि जब फूल भलैया 3 का अनाउंसमेंट हुआ था तब कार्तिक के अंदर भी आत्मा देखने को मिली थी। समझ में नहीं आ रहा कि भूत आखिर होने कौन वाला है, विद्या, माधुरी या फिर कार्तिक। लेकिन ये तो तय है भाई, मंजुलिका वर्सेस रू बाबा तो कन्फर्म है। बाकी तृप्ति दिमरी को अगेन देखकर दिल को सुकून मिल रहा है बाबा। खैर टीजर से स्टोरी का कुछ आइडिया तो लगा, जो भूल भुलैया 2 की ही तरह फॉलो करते नजर आ रहा है एक बार के लिए। जो होना हो, एट लास्ट मंजुलिका वर्सेस विद्या ही हमें देखने को मिलेगी शायद। बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी सेम है पिछले पार्ट की ही तरह, बस 3-4 चेहरे नए हैं। लेकिन इस टीजर पर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी चल रही है जिनको दिखाया भी नहीं गया है, अक्षय कुमार एंड माधुरी दीक्षित। कौन कौन चाहता है कि यार अक्षय कुमार का एक कैमियो तो होना चाहिए, वो भी जबरदस्त वाला। रेज योर हैंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और किसी को भी माधुरी मैम देखने को मिली इस पूरे टीजर में? अगर हाँ तो बाबा मुझे जरूर बता के जाना कि कहाँ देखने को मिली है। बाकी भाई अजय मंजुलिका माधुरी मैम को देखने के लिए तड़प रहा है दिल। देखते हैं कभी दिवाली में क्या बॉम्ब फूटता है, क्योंकि दिवाली बाबा भूल भुलैया की होने वाली है फिर से जैसे पिछली बार, क्योंकि भाई कुछ तो नया है इनके पास जो धमाका कर सकते हैं। बस विद्या बालन जी अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस मूवी में संभाल ले जाएं। टीजर में चलो कोई बात नहीं, हम माफ कर देंगे, लेकिन अगला ट्रेलर जब आएगा तो विद्या जी का एक जबरदस्त रूप होना चाहिए, ऐसा नहीं जो हमने अभी देखा है ना। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, क्योंकि यहां से इंस्पिरेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।